बहुत स्वागत है बुलेटिन में आपका। गाजियाबाद से सबसे पहले एक बड़ी खबर, क्रेन में उतरा करंट, दो लोगों की मौत हो गई है। हाई टेंशन लाइन से टकराई थी क्रेन, और आपको बता दें कि फंसे हुए ट्रक को निकालते वक्त यह हादसा हुआ है। ड्राइवर और कंडक्टर की मौत हो गई है। थाना वेव सिटी इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर फंसे हुए ट्रक को निकालते वक्त अचानक हादसा हुआ। हाई टेंशन लाइन से क्रेन टकराई और क्रेन में करंट उतरा, जिसकी वजह से ड्राइवर और कंडक्टर दोनों लोगों की मौत हो गई है। मेरठ में 3 मंजिला मकान गिरने से एक बच्ची समेत 10 लोगों की मौत हो गई है। मलबे में कुल 15 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया और 10 की मौत हो गई है, जबकि 5 लोगों को अभी भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू में जुटी हुई है। आपको बता दें कि मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाना पड़ा, और घटना लोहिया नगर थाना क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी में हुई है। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के चलते यह हादसा हुआ है। मकान में एनिमल हस्बेंड्री का काम हुआ करता था। हादसे में कुछ मवेशियों के भी दबे होने की सूचना सामने आई। वहीं हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है। तो 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और इन 3 तस्वीरों के जरिए पूरा मामला आप समझ सकते हैं। 15 लोगों को मलबे से निकाला गया है, 15 में से 10 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं। नहीं देखिए, जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था कल, तो 15 लोगों की सूचना दी गई थी उनके रिलेटिव्स के द्वारा जो उस घर में थे। 3 लोग उसी टाइम पे जब टूट रहा था तभी निकल गए थे, बाकी के लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। तो अब तक पूरे जो उन्होंने नाम बताए सभी 15 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया है। उसमें अब तक की जो डेथ टोल है वो 10 लोगों की है, 5 लोग अलाइव हैं। और वैसे तो उन्होंने जो नाम बोले थे वो सारे हम लोगों ने सब रेस्क्यू कर लिए हैं, बट फिर भी पूरा अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा जब तक हम लोग ये पूरा मलबा और हर एक डेब्रिस को वहाँ से हटा ना लें। कोई भी गुंजाइश हम लोग नहीं छोड़ेंगे। इसमें जो 10 डेथ्स हुई हैं उसमें 1 पुरुष हैं, बाकी की सभी फीमेल्स हैं, और फीमेल्स भी 3 मतलब अबव 18 ईयर्स हैं, बाकी के सारे बच्चे हैं। मेरठ में 3 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। हम इस समय मेरठ के मेडिकल हॉस्पिटल में खड़े हैं। इस पूरे हॉस्पिटल को कॉटन ऑफ किया गया है ताकि कोई अंदर ना जा सके, इलाज में कोई व्यवधान ना पड़ सके। जो मरीज हैं वो ICU में भर्ती हैं, इसी हॉस्पिटल के ICU में मरीज भर्ती हैं, और जो 10 लोग हैं वो यहाँ से मोर्चरी भेज दिए गए हैं क्योंकि उनकी मौत हो चुकी है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से अस्पताल में गहमागहमी का माहौल है, और यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि इलाज में कोई व्यवधान उत्पन्न न कर सके। जो मरीज के तीमारदार हैं वो आक्रोशित हैं, वो कहीं इलाज में व्यवधान उत्पन्न न करें, तो ऐसी तमाम चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। मैं आपको बता दूँ कि मेरठ के थाना लोहिया नगर क्षेत्र के जाकिर कॉलोनी में ये पूरे का पूरा हादसा हुआ है। 3 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई, और वो इमारत गारा और मिट्टी से चिनी हुई थी, इसीलिए ये हादसा हुआ है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिन से बारिश हो रही है, और इसी बारिश के चलते ये बड़ा हादसा हुआ है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। 15 लोग उस घर में थे जिसमें से 10 लोगों की मौत हो गई है, और 5 लोग अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। मिर्जापुर में रिहायशी इलाके में पेड़ में भीषण आग लग गई, और आग की लपटें देखकर आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड की टीम को इसकी सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाया गया। शहर कोतवाली क्षेत्र के बदली घाट की यह घटना बताई गई है। पेड़ से निकल रही थी आग की लपटें। तो मिर्जापुर की एक खबर, जहां पर पेड़ से आग की लपटें उठती हुई दिखाई दी, लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी, और उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मिर्जापुर की खबर।
पीलीभीत में बनबसा बैराज से पानी छोड़े जाने से शारदा नदी उफान पर है। जिले के कई गांव बाढ़ की चपेट में है और इस बीच बाढ़ का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक शख्स शारदा की नदी की लहरों में फंसा हुआ दिखाई दिया। करीब आधे घंटे तक वो मौत से जूझता रहा। सूचना पर पहुंचे नाविकों ने मदद कर उसकी जान बचाई। मदद के लिए चिल्लाने पर ग्रामीणों ने उसकी आवाज सुनी तो स्थानीय नाविक नाव लेकर नदी में पहुंच गए और धार में फंसे युवक की जान को बचाया गया। और अगली खबर अयोध्या से, जहां पर सरयू नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है। सरयू का जलस्तर खतरे के निशान को पार करते हुए नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। 36 सेंटीमीटर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है और इसके बाद जिला प्रशासन बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर चुका है। निचले इलाकों में बसे हुए लोगों को सुरक्षित ऊंची जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही बाढ़ चौकियां भी अलर्ट कर दी गई हैं। स्नान घाटों पर मौजूद सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को गहरे पानी में जाकर नहाने से मना किया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश और नेपाल से छोड़े गए पानी के कारण अयोध्या में भी सरयू का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ गया है। सरयू खतरे के निशान को पार करते हुए लगभग 36 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है सरयू का जलस्तर, जिसके बाद निचले इलाकों में अलर्ट है। हालांकि जिला प्रशासन अब निचले इलाके में बसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहा है। इसके अलावा बाढ़ चौकियां भी अलर्ट कर दी गई है। साथ ही जो स्नान घाटों पर श्रद्धालु स्नान करने आते हैं उनको भी अस्थायी ब्रिज के अंदर ही स्नान करने के लिए कहा जा रहा है, जिसको लेकर बाढ़ चौकियों के साथ साथ SDRF और जल पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है। सरयू नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 36 मीटर ऊपर पहुंच गया है। इसको लेकर के लगातार प्रशासन अलर्ट है और ये माना जा रहा है कि अभी और भी सरयू का जलस्तर बढ़ सकता है, इसलिए निचले इलाकों में बसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मैदानी इलाके में लगातार हो रही बारिश की वजह से कानपुर में गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है और यहां पर गंगा बैराज में जलस्तर 113 सेंटीमीटर के पास पहुंच गया है। इसके चलते गंगा किनारे सटे गांव में पानी घुसने की आशंका के इससे फसलें पूरी तरह पानी में डूब गई हैं। गंगा के बढ़ते जलस्तर के चलते ग्रामीणों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें कई किलोमीटर तक पैदल चलकर ही अपने घर जाना पड़ रहा है। प्रशासन भी हालात पर नजर बनाए हुए है। अगर पानी बढ़ता है तो ग्रामीणों को शिफ्ट किया जा सकता है। गंगा ने एक बार फिर से रौद्र रूप धारण कर लिया और ऐसे में गंगा का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बीते 72 घंटे में 2 सेंटीमीटर तक पानी का जलस्तर बढ़ा और ऐसे में गंगा ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। खेतों तक पानी पहुंच चुका है। न्यूज 18 टीम ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं कि जहां तक कैमरे की नजर जा रही है यहां पानी पानी और पानी, खेतों तक ये पानी एक बार फिर से पहुंच चुका है। अगर गंगा बैराज की बात की जाए तो 12 चैनल्स खोल दिए गए हैं। लगभग 1,00,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है और गंगा के कई छोर तक ये पानी पहुंच चुका है। लगभग 18 से ज्यादा ऐसे घाट हैं जिनकी सीढ़ियों पर एक बार फिर से पानी पहुंच गया और ऐसे में नाव के संचालन पर रोक लगा दी गई है और पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी नजर बनाए। ऐसे मामा पानी से कितना दिक्कत आती है जब पानी पहुंच जाए? दिक्कत आती है। कैसे जाती है गांव तक? अरे मंझा के जाते हैं, वो मतलब पैदल जाते हैं कुछ दूर तो नुकसान हो जाता है खेती बाड़ी। हाँ, खेती में नुकसान हो गया है, बहुत लोग नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये किसान है जो यहाँ इस नाव पर बैठे हैं, इनका इनकी भी नजरें इन्होंने अपनी गाड़ के रखी है क्योंकि इनका कहना है कि जैसे जैसे गंगा जलस्तर बढ़ता है वैसे वैसे इनकी परेशानियां बढ़ रही है क्योंकि इनकी चाय और फसलें खराब हो रही हैं। अब इन्हें ये डर सता रहा है कहीं पानी इनके गाँवों और इनके घरों तक न पहुंचे। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 लदुआ खेड़ा कानपुर। तो भारी बारिश की वजह से बाढ़ के चलते आगरा में उटंगर नदी में 30 साल बाद बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला। पीनाहट गांव के 3 गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। नदी किनारे 20 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पीनाहट और फतेहाबाद इलाके में हजारों बीघा फसलें बाढ़ के पानी में डूब गई हैं और इसे देखते हुए SDM राजस्व विभाग की टीम के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर रही है।
लगातार बारिश के चलते मथुरा के छाता इलाके में खेतों में करीब 5 फीट पानी भर गया है। इससे खेतों में लगी फसलें चौपट हो रही हैं। जलभराव के चलते धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है और लोग अब जिला प्रशासन से मदद की आस लगाए हुए हैं। बाढ़ की वजह से आम लोगों के साथ साथ जंगली जानवर भी परेशान हो गए हैं। पीलीभीत की देवहार नदी में एक हिरण बाढ़ के पानी में बहकर आ गया और स्थानीय लोगों ने उसे कुत्तों से बचा लिया। इसके बाद उसकी जान बच सकी। हिरण जब जिंदगी की जंग लड़ते हुए ब्रह्मचारी घाट के पास पहुंचा तो आवारा कुत्ते उसे दौड़ाने लगे। स्थानीय लोगों ने कुत्तों को भगाया और हिरण की जान बच गई। वन विभाग की टीम ने इलाज कराने के बाद उसे जंगल में वापस छोड़ दिया। ये बहुत दूर से पानी में आ रहा था बह के और जब हम लोगों ने देखा तो उसके बाद फिर थोड़ा उसको सहारा दिया तो वो बाहर जब निकल के आया तो वो दौड़ पड़ा। जब वो दौड़ा तो उसके पीछे पड़ गए कुत्ते। जब कुत्ते पीछे पड़ गए तो उनसे सबसे बचा के उसके बाद सूचित करा गया। हम लोगों ने सूचित करा, वन विभाग की टीम आई और फिर उसको लेके गई। शाजापुर में बकरी चराने गए 6 बच्चे नदी में डूब गए और इनमें से 2 बच्चों की मौत हो गई। 4 की हालत गंभीर बताई गई। घायल बच्चों को बदायूं के उसामा अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। थाना कलान के तिल्लौआ गांव की यह घटना बताई गई। बड़ी खबर महोबा से, बहू की हत्या के आरोपी ने जान दे दी। आरोपी ससुर ने फांसी लगाकर जान दी है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं जहां पर ससुर पर मामला दर्ज किया गया था, बहू की हत्या का केस, और पिछले दिनों बहू की हत्या हो गई थी। हत्या के बाद बहू के पिता ने मामला दर्ज कराया था। महोबकंठ थाने के चौका गाँव का ये मामला है। महोबा में माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। आरोप विशेष समुदाय के अराजक तत्वों पर लगा है। भगवान गणेश की प्रतिमाओं पर विसर्जन के दौरान विशेष समुदाय के अराजक तत्वों ने पथराव किया और इस घटना से हिंदू संगठनों में नाराजगी देखने को मिली। हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने कोतवाली का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं इस मामले में पुलिस का ये कहना है कि दोनों पक्षों में विवाद हुआ। पटाखा एक दूसरे के घर में जलाने की वजह से दोनों पक्ष आमने सामने आए थे और दोनों पक्षों को समझा दिया गया है। महोबा के शहर कोतवाली के कसोरा गांव का यह मामला है। जनपद महोबा के कोतवाली थाना क्षेत्र में गणेश विसर्जन के जुलूस निकल रहे थे, उसी दौरान एक जुलूस में पटाखा फोड़ते समय दूसरे पक्ष के घर में पटाखा जाने से हल्का विवाद हो गया। दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। मौके पर मौजूद फोर्स ने तथा सूचना मिलते ही तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी अधिकारीगण ने दोनों पक्षों को समझा बुझा करके अलग कर दिया। जुलूस को सकुशल संपन्न करा दिया गया है। विसर्जन सकुशल संपन्न कराया जा चुका है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। अंबेडकर नगर के जहांगीरगंज थाना क्षेत्र में मूर्ति विसर्जन के दौरान रास्ते को लेकर विवाद हो गया। विवाद एक पिकअप को रास्ता देने को लेकर हुआ था और धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि एक समुदाय के लोगों ने दूसरों पर अटैक कर दिया। पिकअप सवार लोगों के साथ मारपीट और महिलाओं के साथ छेड़खानी की बात सामने आई है। घटना के बाद ग्रामीणों ने थाने में हंगामा किया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुख्य आरोपी जिल्ले हसन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में SC ST लूट छेड़खानी समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। आज शाम को घर में रखी गणेश प्रतिमा का विसर्जन करके ट्रैक्टर टाली से कुछ लोग लौट रहे थे। घोसियाना मोहल्ला थाना जहांगीरगंज में सामने से आ रही पिकअप को रास्ता देने के विवाद में जिल्ले हसन व इमरान उर्फ नाटे तथा उनके सहयोगियों द्वारा लोगों से वाद विवाद किया गया। इस संबंध में वादी पक्ष द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर जिल्ले हसन व इमरान उर्फ नाटे तथा अन्य सहयोगियों के विरुद्ध SC ST जान से मारने की नीयत से हमला, लूट व अश्लील हरकत के संबंध में समझित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर एक नामजद अभियुक्त जिल्ले हसन को गिरफ्तार किया गया है तथा 3 अन्य संदिग्धों को पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया है।
मैनपुरी में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के खिलाफ प्रदर्शन किया है और उनका पुतला जलाया। ये लोग अखिलेश यादव की साधु संतों के खिलाफ गलत टिप्पणी करने से नाराज हैं। इन्होंने अखिलेश यादव को साधु संतों से माफी मांगने को कहा है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव के मठाधीश वाले बयान को लेकर साधु संतों में आक्रोश है और वृंदावन के संतों ने अखिलेश के बयान पर नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि लोकसभा परिणाम के बाद अखिलेश को अहंकार हो गया है। अखिलेश यादव सुधर जाओ, पहले ही सनातन के खिलाफ अपने स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा बहुत कुछ करा चुके हैं, लेकिन इस भूल को सुधार लो। इसको ये ना समझो कि कुछ सीटें अगर उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है तो गुरूर आ जाए। गुरूर इतना ना हो जो रावण की तरह विध्वंस हो जाए। इसलिए समय रहते सनातन धर्म और साधु संतों के खिलाफ टिप्पणी करना बंद कर दो।